हेलो गाइस, वेलकम टू क्लियर यूपीएससी पीसीएस। हियर आई एम अभिषेक शुक्ला एंड एज आई प्रॉमिस्ड आई एम गोइंग टू मेक वीडियो ऑफ आर एस शर्मा चैप्टर फर्स्ट। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज हड़प्पन कल्चर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो थी उसके बारे में पूरा कवर करूंगा। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है तो मैं इसी से कवर करूंगा बिकॉज आर एस शर्मा इज लिटल अ बल्की बुक। सो इन दिस वीडियो आई एम प्रोमिसिंग यू दैट कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं इसमें। इसको पढ़ने के बाद आप प्री और मेंस दोनों के आंसर आसानी से टैकल कर पाएंगे। अब हड़प्पन कल्चर में चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए आगे भी चैप्टर्स के तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए। और इस नोट्स के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ईमेल आईडी अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ये नोट्स आपको भेज दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हड़प्पन कल्चर के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ बात कर देते हैं। ये ओल्डर देन कैलकोलिथिक बट मोर डेवलप्ड देन दैट। तो ये कैलकोलिथिक जो पीरियड था उससे ओल्डर सिविलाइजेशन थी बट ये उससे ज़्यादा डेवलप्ड थी। बिकॉज अगर कैलकोलिथिक पीरियड को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हड़प्पा में थी लेकिन वहाँ पर डेवलप्ड नहीं थी। नाउ वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू से कि इसमें हो सकता है, क्योंकि मैं साथ साथ में बुक पढ़ रहा था और उसी साथ नोट्स बना रहा था बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड आई हैव टू रिवाइज इट बिफोर एग्जामिनेशन। तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, हो सकता है कहीं पे जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, कुछ भी हो, सो फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट रीड इट एंड क्लियर योर एग्जामिनेशन। उसको मैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि इतने अच्छे से टाइप कर सके, तो मे बी कहीं कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। नाउ अराइज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ से अराइज हुई थी ये सिविलाइजेशन। सिंध वाला जो प्रविश था, इंडस जिसको अभी हम जानते हैं, पहले से जो डिस्कवर हुई थी हड़प्पा थी 1921 में। ये वेस्टर्न पंजाब पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम पे। तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा कल्चर है कि जो साइट सबसे पहले डिस्कवर होती है उसी के नाम पर उस सिविलाइजेशन का नाम रखा जाता है। तो सबसे पहली साइट हड़प्पा थी इसलिए इसे हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। सेंट्रल जोन जो था वो सिंध था। सिंध से जो सेंट्रल जोन था, जो सब जहाँ पे सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी वो सिंध थी। उसके बाद ये वहाँ से और अदर पार्ट्स में फिर जाके स्प्रेड होती हुई इधर हरियाणा तक आई। ये कौन कौन से पार्ट को कवर करती है यूपीएससी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में भी कि कौन कौन से पार्ट को कवर कर सकती है। वो स्टेट के नाम दे देगा तो उसमें आपको वो पूछेगी कौन सा इसमें कवर नहीं करता है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी, यहाँ मेरठ तक ये कवर करता है, ठीक है ना, वेस्टर्न यूपी में मेरठ तक। इसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो भी मैंने लिखे हैं, एक्सटेंड जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ टू नर्मदा एस्चुरी इन साउथ। तो जम्मू एंड कश्मीर से नर्मदा एस्चुरी तक, इधर नीचे साउथ तक, एंड मकरन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में, वहाँ के मकरन कोस्ट लेके मेरठ तक एक्सटेंड करती है। तो अगर इसको तीनों को हम मिलाएंगे ना तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म करती है। जैसे यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये, ठीक है ना, यहाँ से ये ट्रायंगल फॉर्म कर देगा। सुरकोटदा एक स्टीम पॉइंट है इधर का, ठीक है ना, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करती है। ये स्टेट पीसीएस में पूछता है तो याद रखिएगा। मोहनजोदारो अभी इस प्रेजेंट टाइम सिंध पाकिस्तान में है, चांद हजार भी पाकिस्तान में है। इसकी साइट्स के नाम दिए हुए हैं, मैंने लिखे हैं, लोथल गुजरात में है, हेड ऑफ गल्फ ऑफ कॉम्बे, गल्फ ऑफ कॉम्बे के पास है ये लोथल। लोथल मैं आपको दिखा देता हूँ, लोथल यहाँ पे है गल्फ ऑफ कॉम्बे के पास, ठीक है ना। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, ठीक है, कालीबंगन ये रहा, ये यहाँ पे है राजस्थान में। उसके बाद बनावली, राखी गढ़ी, ये दोनों हरियाणा में है। तो राखी गढ़ी और बनावली ये दोनों हरियाणा में पड़ती हैं। सो टू कल्चरल फेस एज कालीबंगन, तो कालीबंगा और राखी गढ़ी जो है ना, बनावली, राखी गढ़ी और कालीबंगन, ये तीन साइट है जिन्होंने दो कल्चरल फेज देखे। हम दो कल्चरल फेज का मतलब ये है कि इन्होंने मेच्योर फेज और डिक्लाइन फेज दोनों देखा हुआ है, ठीक है ना। और धोलावीरा कच्छ, धोलावीरा जो है ये कच्छ और गुजरात में है, ठीक है ना। तो सोन ऑल थ्री फेजेस एट राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी ने और धोलावीरा ने इन्होंने तीनों फेज देखा है, मतलब प्री मेच्योर हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज एंड डिक्लाइनिंग हड़प्पन फेज, ये तीनों फेजेस कौन कौन से दो साइट्स ने देखा है, धोलावीरा ने और राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ती है, धोलावीरा पड़ता है गुजरात में, याद रखिएगा। उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब ये तो हो गया प्रीलिम्स पार्ट। अब अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो टाउन प्लानिंग में, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आता भी है लेकिन
इससे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में डायरेक्ट टाउन प्लान से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो टाउन प्लानिंग की जो भी चीजें हैं वो मैं बताता हूँ। सिटाडेल था और एक्रोपोलिस। अच्छा एक बात ये देखिए, एक्रोपोलिस भी सिटाडेल टाइप का ही होता है। तो एक्रोपोलिस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में इसको एक्रोपोलिस बोलते हैं। यूपीएससी वाले ध्यान देंगे कि एक्रोपोलिस अगर आता है तो सिटाडेल ही होता है। ऑक्यूपाइड में रूलिंग क्लास ऐसा माना जाता है कि रूलिंग क्लास ऑक्यूपाइड करती थी इसको। दूसरी चीज है लोअर टाउन होती थी, ठीक है ना, इसमें विथ ब्रिक हाउसेस, ठीक है ना। तो ब्रिक हाउसेस होते थे फॉर कॉमर्स, ये कॉमर्स के लिए होता था लोअर टाउन। हाउस जो थे वो ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे, रोड एक दूसरे को सेम सेम एंगल पे कट करती थी। सिटी डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स, ब्लॉक्स में सिटी डिवाइडेड थी। मोहनजोदारो बिल्डिंग वॉज रिच इन स्ट्रक्चर, मोहनजोदारो की जो बिल्डिंग थी वो स्ट्रक्चर में रिच थी। इट सिंबलाइज रूलिंग क्लास डोमिनेंस ओवर लेबर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना। यह सिंबलाइज करता था कि जब वो रिच में स्ट्रक्चर में रिच थी तो ऐसा सिंबलाइज करता है रूलिंग क्लास थी जो वो डोमिनेट करती थी, ठीक है ना। और ये टैक्सेस भी कलेक्ट करते रहे होंगे क्योंकि उसी से फिर वो अपने स्ट्रक्चर बनाए होंगे इन्होंने। ग्रेट बाथ जो मिला है मोहनजोदड़ो में मिला है, याद रखिएगा, चेंजिंग रूम स्टेयर्स रिचुअल बाथ। तो ग्रेट बाथ में क्या है, चेंजिंग रूम भी है, उसमें सीढ़ियां हैं नीचे उतरने के लिए। और इसको ऐसा माना जाता है कि ये रिचुअलिस्टिक बाथ था, मतलब कि जैसे अभी अपने गंगा नहीं जाते नहाने के लिए, तो वैसे ही सिस्टम यहाँ भी रहा होगा। हाईएस्ट बिल्डिंग इज ग्रेनरीज, मोहनजोदड़ो की हाईएस्ट बिल्डिंग जो है ग्रेनरी है। ग्रेनरी क्या होता है, बिग स्टोर हाउसेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी स्टोर ग्रेन को स्टोर करने के स्टोर हाउसेस होते हैं, पहले भी हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग में ग्रेनरी जाती है, जबकि लेकिन मोहनजोदड़ो में एक ही बिल्डिंग है, जबकि 6 ग्रेनरी फाउंड होती है कहाँ पे, हड़प्पा में। तो ऐसा माना जाता है कि ये स्टोर करते थे। स्टोर करने के 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है वो ट्रेड करते रहे हो, दूसरा रीजन हो सकता है कि कभी कोई नेचुरल क्लेमिटी आती है तो उसके लिए ग्रेन को स्टोर करके रखते हो ताकि उन्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो खाने वाने की। सर्कल ब्रिक प्लेटफॉर्म एट हड़प्पा थ्रेसिंग ऑफ ग्रेन। एक सर्कल प्लेटफॉर्म हड़प्पा में मिला है जिसे ऐसा माना जाता है कि जैसे अभी थ्रेसर का यूज नहीं होता ग्रेन्स को थ्रेसिंग करने के लिए, तो वैसा वहां पे भी होता रहा होगा। हो सकता है जानवरों का यूज करके वो थ्रेसिंग करते रहे हो। और लेबर्स के लिए 2 रूम के बैरक्स भी मिले हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी सर्कल ब्रिक वाला में भी आप लोगों को नया लग रहा होगा, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, अब बात आती है ड्रेनेज सिस्टम की। ड्रेनेज सिस्टम हुआ क्या, हर घर में उनके पर्सनल बाथरूम्स होते थे। कालीबंगा में बहुत सारे घरों में वो वेल्स मतलब कुएं भी मिले हैं। वाटर फ्रॉम हाउस टू स्ट्रीट, घर से स्ट्रीट पे स्ट्रीट के ड्रेनेज में पानी चला जाता था। ये ब्रिक्स ईंट और स्टोन के स्लैब से कवर होते थे। नो सच ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन गेव दिस मच अटेंशन टू हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो अगर हम मेसोपोटामिया कहीं करें या किसी भी सिविलाइजेशन से अगर कंपेयर करें, तो कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है जिसने इतना एम्फोसिस दिया हेल्थ और सैनिटेशन पे जितना इस सिविलाइजेशन ने दिया है। अब आपको मैं वो दिखा देता हूँ, सर्कल ब्रिक प्लेटफॉर्म है एट हड़प्पा। ओके, ब्रिक प्लेटफॉर्म एट हड़प्पा। ओके, ये मैंने सर्च भी कर रखा है, मैं पढ़ रहा था तो मैंने सर्च किया था, क्योंकि मेरे लिए थोड़ी नई बात थी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है। ओके, सो यू कैन सी दैट ये रहा है, ये ऐसा मिला है सिविलाइजेशन में। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे इसको थ्रेसिंग के लिए, जैसे अभी होता नहीं है कि यहाँ पे ग्रेन्स को रख दिया और उसके बाद इस पे बैल चलाते होंगे, कुछ भी चलाते होंगे जो भी उनके पास रहा होगा। तो उस हिसाब से अभी हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो पता चलेगा। तो ये हो गया, नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, टॉपिक पे मूव करते हैं। अब बात आती है एग्रीकल्चर की। प्रेजेंटली नो फर्टाइल, अगर प्रेजेंट की बात करें तो जो रीजन पहले थे वो अभी फर्टाइल नहीं है, रेनलेस है। दूसरा, अर्लियस इंडस है मोर वेजिटेशन लीड्स टू मोर रेनफॉल। तो पहले पहले क्यों ये फर्टाइल था, तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे पहले वेजिटेशन बहुत ज्यादा था, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से रेनफॉल बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो जो भी ये मोर वेजिटेशन था, ये काम किसके आते हैं, सप्लाइड टिम्बर फॉर बैकिंग ब्रिज। अगर हमें पके हुए ईंट मिले हैं तो उसके पकाने के लिए जो भी लकड़ी को यूज होता था उसके लिए यूज में आते थे वेजिटेशन। ऑल्सो फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए भी लकड़ियों का यूज किया जाता था। वॉल्स ऑफ ब्रिक्स वाज दैट फ्लडिंग वाज फ्रीक्वेंट फेनोमेना। तो इसमें आर्य शर्मा में एक चीज दी हुई है कि बहुत सारे ब्रिक्स की वॉल्स बनी हुई हैं। तो ऐसा माना जाता है, एक्सपर्ट इस ओपिनियन में है कि जो ऐसी वॉल्स बनी है जिसका मतलब कि वो फ्लड वहां पे आते रहे होंगे। वो खेती कब करते थे, जब फ्लड रिट्रीव बैक हो जाता, जैसे नवंबर वगैरह में करते थे। सो सीड ऑन नवंबर व्हेन फ्लड रिट्रीट बैक, जब फ्लड चले जाते थे
तब वो उस टाइम पे वीट और बार्ले का प्रोडक्शन करते थे। प्लोस एयर और होप, तो प्लोस एयर मतलब हल जो है वो मिला नहीं है, ये मैंने जो कट का साइन लगाया इसका मतलब ये नहीं मिला है। वहां पे फरो मिले हैं, फरो मतलब ऐसे नाली टाइप का मिला है, जिससे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वो हल का यूज करते रहे होंगे, लेकिन हल वहां पे ऐसा कोई मिला नहीं है, ठीक है ना। और ये जो फरो मिला है ये राजस्थान में मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि जो जुताई है वो की जाती होगी मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली जो प्लो से रहे होंगे, जो हल हल यूज करते होंगे वो लकड़ी के रहते होंगे, क्योंकि इस टाइम पे वैसे आयरन वगैरह नहीं थे, तो इस वजह से। ओके, गाबर बैंड्स मतलब ये लार्ज डैम्स, नल्स फॉर स्टोरिंग वाटर, तो वहां पे डैम्स के कुछ वो मिलते हैं कि यहाँ पे डैम्स थे या फिर नल थे उनके मिलते हैं, लेकिन डैम्स होने के बावजूद कनाल इरिगेशन का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। प्रोड्यूस क्या करते थे, ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वीट बार्ले लाइफ वी सीस्पम मस्टर्ड, और उसके बाद राइस के जो चावल है, चावल के रिमेन्स लोथल से मिले हैं, यहाँ पे जो फॉडर होता है, जो भूसा होता है उसके कुछ रिमेन्स मिले हुए हैं। सेरल्स यूज टू पे टैक्स एंड वेजेस दस स्टोर्ड इन ग्रेनरी, तो सेरल्स जो होते हैं वो टैक्सेस पे करने के लिए या फिर वेजेस को पे करने के लिए यूज होते थे, इस वजह से उनको स्टोर हाउसेस में रखा जाता है। अब एनिमल्स की बात आती है, कौन कौन से इस पे याद रखिएगा, कौन कौन से एनिमल्स को लोग यूज करते थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में, ऑक्सन, बफेलोस, स्पेलिंग गलत है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, गोट, सीप, पिग्स मतलब सुअर भी होती थी, डॉग्स होते थे, कैट का भी वो मिले हैं, क्योंकि कैट और डॉग के जो पैरों के निशान है वो मिले हैं। हम्प्ट बुल, अभी मैं उसमें रिलीजन में बात करूंगा, कैमल मतलब ऊंट भी मिले हैं, एलिफेंट के भी शाइन मिले हैं, हॉर्स के एविडेंस मोहनजोदड़ो से मिले हैं, बट वो डाउटफुल है क्योंकि एक टेराकोटा की वो मिली है मूर्ति, उसमें ऐसा माना जाता है कि वो ऐसे एक जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे जो एक्का टाइप का होता है, तो वो कार्टर कार्ड्स जो होते हैं उस हिसाब से उसका कोई है, लेकिन वो टूटा हुआ है, डाउटफुल है, इस वजह से उस पर हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अब बात आती है टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट पे, इस पे यूपीएससी या पीसीएस कहीं भी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट पे कैसे काम करते थे। तो ब्रॉन्ज एज थी, ब्रॉन्ज ये जो ब्रॉन्ज होता है और वो उसका यूज किया जाता था इस टाइम पे, ये मिक्स किसका होता है, टिन और कॉपर का, जबकि टिन और कॉपर यहाँ पे नहीं थे, तो कॉपर एक खेतरी रीजन जो है राजस्थान का, वहां से लेके आते थे, ठीक है ना। क्योंकि ये डिस्कवर कैसे हुआ, क्योंकि जो खेतरी रीजन की जो माइंस है राजस्थान की, उसकी जो सिमिलर इम्प्योरिटी की जो चीजें हैं उनको जब मिलाया गया, तो पता चला कि सिमिलर इम्प्योरिटी की चीजें खेतरी रीजन राजस्थान में मिली है, जो कि हड़प्पन में डिस्कवर हुआ है, ठीक है ना। स्मॉलर परसेंटेज ऑफ टिन, तो टिन का स्मॉलर परसेंटेज था, ये प्रोड्यूस क्या करते थे, इमेजेस बनाते थे, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनाते थे, टूल्स बनाते थे, वेपन्स भी बनाते थे, पीस ऑफ वुवेन कॉटन फ्रॉम मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से वुवेन कॉटन का पीस भी मिला है, स्पंडल वॉल्स भी मिले हैं जो स्पिनिंग करने के लिए होता है, सूत काटने के लिए जो होता नहीं है वो मिले हैं, बोट मेकिंग और सील मेकिंग भी ये किया करते थे, ज्वेलरी में गोल्ड सिल्वर में प्रीशियस स्टोन के यूज करते थे, प्रीशियस स्टोन में इनके आता है लैपिस लेजुली, एक पत्थर है वो मोस्ट प्रोबली वो ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता रहा होगा। देवर एक्सपर्ट इन बीड मेकिंग, बीड मतलब मोतिया बनाने में वो एक्सपर्ट थे, वाटर व्हील्स भी मिली है मतलब वे जो चाक होता है उसका भी यूज किया करते थे। ट्रेड की अगर हम बात करें तो एविडेंटेड ड्यू टू ग्रेनरी, तो अभी हम ट्रेड के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि ये ट्रेड कैसे करते रहोगे, मतलब उसके एविडेंसेस क्या है, तो सबसे पहले ग्रेनरी स्टोर हाउसेस थे, स्टोर हाउसेस ये माना जाता है कि स्टोर करते रहे होंगे ट्रेड के लिए। सील्स मिली है, जैसे अभी ट्रेडमार्क नहीं होता वो लगा देते हैं, वैसे पहले सील्स मिली है तो ऐसा माना जाता है कि ट्रेड के लिए। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिली है, वेट एंड मेजर्स भी मिले हैं कि ये वेट भी करना जानते थे। ये ट्रेड किस में करते थे, स्टोन और मेटल्स में करते थे, लेकिन मेटल की मनी मिली नहीं है, मेटल्स में ट्रेड करते रहे होंगे बट मेटल की मनी नहीं मिली है, याद रखिए यूपीएससी यहाँ पे फंसा सकता है। बार्टर सिस्टम की यूज करते रहे, बार्टर सिस्टम जिनको नहीं बता दो, बार्टर में जैसे कि आप गेहूं देके चावल ले लो, ऐसे ही यूज करते रहोगे ऐसे। इन रिटर्न पीजी ग्रेन दे प्रोड्यूस मेटल बाय बुलक कार्ट एंड बोट्स, तो ये रिटर्न जैसे कि ये जो भी प्रोड्यूस भेज, जैसे ग्रेन से ये एग्रीकल्चर ही बहुत ही फ्लश रीजन था, तो ये ग्रेन भेजते रहे होंगे, उसके बदले भी ये मेटल्स लाते रहे होंगे, जैसे टिन और कॉपर लेके आते रहे होंगे बोट्स और कार्ट से। कार्ड्स क्या है, काइंड ऑफ मॉडर्न इक्का है जिसपे यूज किया, जिससे ये सामान लाते ले जाते रहे होंगे। ट्रेड विद कहां कहां से ट्रेड करते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, लैंड ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट से भी ये ट्रेड कर सकते हैं। हड़प्पन से ये मेसोपोटामिया में मिली है, तो
ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया से भी ये ट्रेड करते रहे हैं। अब इसका एक नेम और भी है मेलुहा, जिसको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वालों ने दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम, ठीक है ना। नाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहती होगी, बट यहाँ पे एक कल्चरल होमोजेनिटी थी, तो ऐसा माना जाता है कि बिना सेंट्रल अथॉरिटी के कल्चरल होमोजेनिटी पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल नोट डिड नॉट एग्जिस्ट मीन्स दे वर मोर कनेक्टेड टू कॉमर्स रादर देन पॉलिटिक्स, तो ये पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे, ये ट्रेडर्स थे। टेम्पल यहाँ पे नहीं मिले हैं, कुछ एक्सपर्ट ने कहा था कि हो सकता है वहां पे प्रीस्ट जो पंडित हैं वो रूल करते रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो रूल करते होते तो टेम्पल्स वगैरह के रिमेन्स मिलने चाहिए थे, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। अब आती है रिलीजियस प्रैक्टिस की बात। रिलीजियस प्रैक्टिस में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस पे आते हैं कि कौन कहां से मिला क्या नहीं मिला, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस में क्या करते थे, एक एक इमेज है जिसमें फर्टाइल गॉडेस की इमेज है, जिसमें वो एक लेडी है उसके एम्ब्रियो से एक प्लांट ग्रो होता हुआ दिखाया गया, तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ को ये फर्टिलिटी गॉडेस की तरह मानते रहे होंगे। मैट्रियार्कल सोसाइटी के कोई एविडेंस मिला नहीं है। बिलेस केम टू हैव सेपरेट गॉड्स, तो ऐसा माना जाता है कि जो डिफरेंट ट्राइब्स थे, डिफरेंट बिलेस थे, वो उनकी अलग अलग गॉड्स होते थे। मेल डीआईटी एक सील में मिले हैं पशुपति महादेव, जिनको अभी के शिव से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। थ्री हॉर्न हेड है, अब इनके बारे में हम मेल डीआईटी पशुपति देव के इसके बारे में बात कर देते हैं, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, डेविड मैं आपको इमेज ही दिखा देता हूँ, इमेज देख के आप समझ जाएंगे ये मिले हैं, ठीक है ना। ये एक इमेज मिली है वहां से, ये वाली, तो थ्री हॉर्न है इनके, मैंने अपने नोट्स में ऐड कर रखा है, थ्री हॉर्न है हेड पे इनके, योगी योगिक पोस्टर है, एक फुट दूसरे फुट के ऊपर है, ये ऐसे योगिक पोस्टर है। तीसरी चीज, सराउंडेड बाई एलिफेंट टाइगर राइनो बेफलो टू डियर ऑन फीट, एलिफेंट टाइगर ये देखिए, एलिफेंट ये हो गया, टाइगर ये हो गया, दो डियर नीचे है, ठीक है ना। याद रखिए इस पे क्वेश्चन बनता है कि किसी सराउंडेड थे, तो एलिफेंट टाइगर राइनो बफेलो भैंस भी थी, लेकिन काउ नहीं थी, याद रखिए काउ पे वो कंफ्यूज करता है। दो डियर दो उनके फीट पे कनेक्टेड भी सीवर से कनेक्ट किया जाता है। ऋग्वेदा ने कहा है कि फैलस वर्शिपर जो थे वो नॉन आर्यन थे, मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन की पूजा करते, शिवलिंग की पूजा भी होती है, तो वो क्या माना जाता है कि वो नॉन आर्यन किया करते थे। अब बात आती है ट्री वर्शिप क्या है करते हैं, तो हाँ करते थे, पीपल किसी एक सील पे पीपल के ट्री का वो मिला है। एनिमल वर्शिप करते थे, वन हॉर्न यूनिकॉर्न मिला है यहाँ पे, हम्प्ड बुल मिला है, सराउंडिंग एनिमल और पशुपति, तो पशुपति के पास बहुत सारे एनिमल सराउंडेड है, ऐसा माना जाता है कि अगर वो पशुपति शिव की पूजा करते होंगे तो मोर और लेस एनिमल्स के लिए भी रिस्पेक्ट तो रही होगी। एमुलेट्स मतलब ताबीज मिली है, जिसे डिपिक्ट किया जा सकता है कि ये भूत और भगवान दोनों में विश्वास करते रहे होंगे, है ना। हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो ये अंडे से फटे, अभी इसको पढ़ा नहीं जा सका है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारी लैंग्वेज से कनेक्ट करके देखते हैं, लेकिन अभी तक तो पढ़ा नहीं जा सका है। पिक्चोग्राफिक लैंग्वेज थी, मतलब ये पिक्चर्स में यूज, पिक्चर्स थी इसकी, उसी पिक्चर्स को पढ़ना होता था, ठीक है ना। अब आती है वेट एंड मेजर्स की, तो ये जितने भी वेट थे 16, ये 16 के मल्टीपल में यूज करते हैं, 16, 32 ऐसे करके, और अभी भी प्रेजेंट तक भी ये कुछ सालों पहले तक ये प्रेवलेंट था, जैसे कि 16 आने का मतलब 1 रुपए होता था। पॉटरी की बात करें तो ट्री एंड सर्कल, मतलब पॉटरी को डेकोरेट किया जाता था, उसके डिजाइन में ट्री और सर्कल से होते थे। इमेज ऑफ मैन एंड ऑल्सो अपियरेंस ऑफ पॉटरी, कुछ पॉटरीज पे मैन की इमेज भी है। रेड वेयर पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक, तो ये रेड पॉटरी की यूज करते थे, याद रखिएगा रेड पॉटरी क्या यूज करते थे। वहीं अगर हम आर्यन की बात करें तो पेंटेड ग्रे वेयर के यूज करते थे, ये वो पीजीडब्ल्यू आयरन और पीजीडब्ल्यू कल्चर है वो, यहाँ पे सिर्फ रेड पॉटरी और ब्लैक का यूज कर, दो कलर यूज होते थे, ठीक है ना। ये कलर से पेड़ों से निकाल के लाते थे। सील्स की बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स के सील होते हैं, सील में होता क्या था कि ये सील बनाते थे एनिमल्स की, उसके बाद मिट्टी लगा कर जैसे किसी भी चीज को पैक किया करके, उसकी जो माउथ होता था मतलब जहां से वो बंद होता है उसको सील करके, उस पर मिट्टी लगा के उस पर वो स्टाम्प टाइप का मारते थे सील से, इससे पता चले जिसके जिससे ये पता चल जाए कि ये ऑथेंटिकेटेड है और कहाँ से क्या ट्रेडिंग की जानी है। अगर इमेज की बात करें तो डांसिंग वुमेन ब्रॉन्ज की मिली है, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर नेकलेस, वो नेक्ड है, सिर्फ एक नेकलेस उन्हें पहना है। फाउंड इन मोहन जोदड़ो में मिला है। लॉस्ट वेस्ट टेक्निक का यूज किया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। स्टेटाइट स्टेचू बियर्डमैन भी मिला है एक मोहन जोदड़ो में। अब मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, डांसिंग गर्ल और उसकी, डांसिंग गर्ल
हड़प्पा फाउंडेन, ये मैं कंफ्यूज था। ईयर रिंग, ये पूरी नेक्ड है, सिर्फ इसने एक नेकलेस पहना हुआ है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, ये मोहनजोदड़ो में मिला है और एक बियर्डेड मैन में मिला है। बियर्डेड मैन, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बियर्डेड मैन हड़प्पा, ओके। तो ये मिला है, इसमें देखिए एक एक आर्म से दूसरे आर्म तक ये योगिक पोस्चर में ये मिला है, ये भी मोहनजोदड़ो में ही मिला था। टेराकोटा फिगरिन की बात करें तो टेराकोटा क्या होता है कि ये फायर बेक्ड, जैसे वही मिट्टी के पके हुए जो चीजें बनती हैं, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, सीप, गोट, डॉग, बर्ड, मंकी, मैन और वुमेन। तो मंकी बंदर उन्दर क्या है, यहाँ पे भी है, मैन और वुमेन क्या है, डॉग, गोट, सीप, ये सारी है, लेकिन याद रखिए यहाँ पे काऊ नहीं है। मेटेरियल और ब्रॉन्ज एंड टेराकोटा डिफेक्ट क्लास डिविजन सोसाइटी। तो दो टाइप के यूटेंसिल्स और टेराकोटा फिगरीन बनती थी, एक ब्रॉन्ज की और एक टेराकोटा की। ये सोसाइटी के डिविजन को कहीं ना कहीं दिखाता है, जो जो रूलिंग क्लास रहा होगा वो ब्रॉन्ज क्लास ब्रॉन्ज के टूल्स और फिगरीन का यूज करता रहा होगा, जबकि टेराकोटा जो है वो लेबरर क्लास यूज करते रहेंगे। हड़प्पन कल्चर इज पुअर इन आर्टिस्टिक वर्क विथ स्टोन। तो स्टोन के साथ ये बहुत ज्यादा यू नो आर्टिस्टिक वर्क में एक्सपर्ट नहीं थे स्टोन के साथ। विच फ्लरिस्ट लेटर इन कैलकोलिथिक पीरियड। तो कैलकोलिथिक पीरियड में वो फ्लरिस्ट हुआ, कैलकोलिथिक पीरियड में वही स्टोन स्टोन की जो भी चीजें हैं वो बहुत सारी शार्प होने लगी थी और उनके टूल्स का यूज किया जाता था। स्टोन के साथ एक और चीज का उसमें मिक्सचर किया जाता था, तो कॉपर और स्टोन का, ओके। अब इसमें बात आती है रीजन ऑफ डिक्लाइन, डिक्लाइन के रीजन क्या है। तो अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक दो रीजन ही दिया रखा है, लेकिन ये ओल्ड एनसीईआरटी है तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दी गई है। पहला माना जाता है अनइवन रेनफॉल हुआ होगा, क्योंकि फ्लड वहां पे फ्रीक्वेंट आते थे, तो अनइवन रेनफॉल की वजह से दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वहां पे जो भी वहां का वेजिटेशन था, इन्होंने उसको काट काट के यूज कर लिया कंस्ट्रक्शन के लिए और ईंटों को पकाने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे हो सकता है रेनफॉल कम हो गई हो और एग्रीकल्चरल जोन हूँ वो खत्म हो गया। दूसरी चीज, फ्लड भी आ सकता है, बहुत सारी बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई है, एक्सेस रेनफॉल, और वो एग्रीकल्चर वहां ना कर पाए, क्योंकि जब फ्लड रिट्रीट होता था तभी वो एग्रीकल्चर किया करते थे। हो सकता है फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई हो। एक्सपेंसर ऑफ डेजर्ट, जो सराउंडिंग डेजर्ट है, क्योंकि आप जब मैप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा चारों दो तीन तरफ से यहाँ पे डेजर्ट है, तो हो सकता है डेजर्ट एक्सपेंड हो गए हो। सैलिनिटी ऑफ सॉइल भी इंक्रीज हो सकता है, अर्थ को एक पॉसिबिलिटी है। डिस्टॉर्ट बाय आयरन एविडेंसेस, तो कुछ लोग एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि आयरन ने इनको इन्वेड किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लड़ाई हुई होती तो उसके कुछ रिमेन्स मिलते। एक जगह पे कुछ रिमेन्स मिले हैं, लेकिन उस पर 8-10 लोगों के स्केलेटन ही मिले हैं। तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि 8-10 अगर रिवोल्ट अगर दोनों में लड़ाइयां हुई होती, अगर आर्यन ने इन्वेट किया होता तो और भी लोग मरे होते, तो 8-10 स्केलेटन से हम ये नहीं कह सकते। अर्बन एक्लिप्स लेड टू माइग्रेशन ऑफ मर्चेंट इज अ पॉसिबल एंड वैलिड रीजन। तो हो सकता है अर्बन एक्लिप्स के लिए लोग यहाँ से माइग्रेट करके अपने विलेजेस में चले गए। पोस्ट हड़प्पन की अगर हम बात करें, पोस्ट हड़प्पन में क्या हुआ, डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ हड़प्पा डिसअपीयर। तो जो प्री हड़प्पन फेज था, देखो पहले प्री हड़प्पन फेज आया, फिर मेच्योर आया, फिर पोस्ट आ गया। तो मेच्योर जो हड़प्पन फेज था वो जो डिक्लाइन हुआ, अभी जो हम पढ़ रहे थे मेच्योर हड़प्पन फेज था, ये डिक्लाइन हुआ तो फिर उसी स्टेज पे आ गया था। उसके बाद एक कैलकुलेथिक पीरियड आता है जिसमें कॉपर और स्टोन एज आ जाती है, इसमें कास्टिंग नहीं हो पा रही थी। मतलब देखिए मेच्योर में कास्टिंग लॉस्ट टेक्निक की अभी मैंने ऊपर बात की, वह ये लोग नहीं करते थे पोस्ट हड़प्पन में। विलेजेस में फिर से चले गए थे, प्रभास पतन सोमनाथ का और रंगपुर दोनों गुजरात में है, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है हड़प्पा के। तो अगर आप यूट्यूब पे इनको देखना चाहते हो देख सकते हैं। पोस्ट हड़प्पन हड़प्पन सेटलमेंट डिस्कवर्ड इन स्वायत्त वैली, स्वायत्त वैली में डिस्कवर हुआ पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट का, वहीं से भी ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन निकली है। मेजरिंग लेंथ का कोई भी ऑब्जेक्ट बाद में पोस्ट हड़प्पन में नहीं मिला है। फ्यू साइंस ऑफ वायलेंस आल्सो अपीयर, जो अभी मैं बता रहा था मोहनजोदड़ो में मिले हैं। बर्नट बीड्स मतलब मोती जले हुए और स्केलेटन्स 8 से 12 लोगों के मिले हैं, लेकिन ऐसे ये निकाल सकता है कि इनका इन्वेजन हुआ है। पीजीडब्ल्यू विच वैदिक कल्चर ऑल्सो फाउंड इन लेटर हड़प्पन कल्चर। तो पीजीडब्ल्यू जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, वैदिक कल्चर से जो एसोसिएटेड है पेंटेड ग्रेवेयर, वो यहाँ पे भी पोस्ट हड़प्पन फेज में मिलता है। तो ये है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, ये पहला टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, एंड बिलीव मी आप चाहे तो आप पढ़ के बुक भी चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ी नहीं है, इसमें मैंने पूरी जिस्ट बना के दे दी है। ये पूरा इससे मेंस और प्री के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा चैप्टर भी ये रेडी है, मैं इसको पढ़ चुका हूँ, बट इसको दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। और आपको इसके नोट्स अगर चाहिए तो प्लीज आप नीचे अपनी ईमेल आईडी कमेंट कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली उधर उसी पे भेज दूंगा।
सो ओके गाइस, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हारा भाई जो लड़ा नहीं।